एक समय के बाद शादी का सबसे बड़ा समस्या ये है कि दो लोग अपने रिलेशनशिप पर काम करना छोड़ देते, वो दोनों एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड ले लेते। आदमी बोलता है जाएगी कहा, और औरत बोलती है जाएगा कहा साला, इधर ही आएगा, दिन भर कहीं भी घूम ले, रात को इधर ही आएगा खाना। अब तुम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, अब तुम्हें इस चीज में कुछ पड़ा नहीं है कि दो लोग अभी भी साथ में है, जीवन भर के लिए साथ में है। सवाल यह है कि शादी प्रथा में जो गुनगुन मिला के शादी करते उसके बाद भी जीवन में तकलीफ क्यों, बराबर ये है ना, समझ लो ना भाव लय दुखा था वो ना दगा है मेरे। देखो बात को समझो, ये वैसे ही है कि अगर तुम हर चीज नसीब पे डाल दोगे तुम बेवकूफ। पति पत्नी जब साथ में रहेंगे तब उनके ग्रह तारों के मिलन के हिसाब से उन्हें डेफिनेटली उस चीज का इफेक्ट आएगा। इसलिए हम कहते भी है कि कभी कभी ना कोई एक स्त्री उस पुरुष के लिए बहुत लकी साबित हो जाती है, वो पुरुष उस स्त्री के लिए बहुत लकी साबित हो, ऐसा बहुत से, ये मैं कोई साइंटिफिकल इक्विपमेंट बता भी नहीं रहा हूं तुम्हें, मैं कहता हूं कि जो आज तक तुम जिए हम उसी की बात करें कि समाज में तुमने ऐसे बहुत से लोग देखे कि उसके लाइफ में कोई इंसान ने एंट्री की और उसकी लाइफ बदल दी। कल तक तो वो साधारण था, जैसे ही वो इंसान उसके जीवन में आए उसके जीवन नक्षत्र बदल गए एकाएक, उसके जीवन में उसने जो ऊंचाइयां छुई वो शायद ही उसके बाद उससे खुद से पॉसिबल। यहाँ पे ये काम करेगा, ये ऊपर की चीज है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण या यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र क्या करे। देखो समस्या वही है, चीजें है बाहर की और भीतर की, ये दो अलग चीजें है। तुम कह रहे हो कि अगर तुम्हारा झगड़ा हो रहा है ग्रह तारों ने चाहे थे, और काम धंधे नहीं क्या बबलू, उनको कोई काम धंधे, ये तो दो लोगों की समझ की बात है, ये तो दो लोगों के मिलन की बात है, ये तो ऐसे है कि उनके एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग कितनी है और वो अपने रिलेशन को बनाने के लिए और मेंटेन करने के लिए क्या काम कर रहे हैं। ये ऐसे ही समझो कि अगर कोई लव मैरिज करे या अरेंज मैरिज करे, उसमें क्या होता है ना कि लव मैरिज वाले की पहले से ही एक रिलेशनशिप होती, और शादी जिनकी अरेंज हुई उनकी 6 महीने तक एक रिलेशनशिप चलती, धीरे धीरे दो लोग एक दूसरे को समझते हैं, पसंद नापसंद समझ आता है, और वो मेंटेन करते हैं समझने के लिए, वो प्रोसेस करते हैं कि नहीं नहीं थोड़ा सामने वाला समझू, उसकी अच्छी बुरी चीजों को समझू, धीरे धीरे तुम उस इंसान को समझते हो। लव मैरिज में वो पहले हो चुकी, अरेंज में वो बाद में हो, इतना ही फर्क, लेकिन प्रोसेस एक ही है कि तुम सामने वाले को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और सामने वाले को समझने की कोशिश के साथ ही दो लोगों का जो रिलेशनशिप है ना उसको भी तुम समझने की और बढ़ाने की और ताकतवर करने की कोशिश कर। अगर तुम शादी के पहले झगड़ोगे तुम जल्दी से सॉरी बोल दोगे, और अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग करने के लिए ही प्रोग्रेसिव रहो, तुम यही सोचोगे कि ठीक है ये प्रॉब्लम आया हम बैठते बात करते इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं लेट्स। शादी के बाद भी जो लोग अरेंज मैरिज वाले हैं वो भी पहले तुम पाओगे कुछ महीनों तक तुमने यही किया, तुमने एक दूसरे के रिलेशनशिप को स्ट्रांग करने की कोशिश, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं सामने वाला बंदा रिएक्ट कैसे करता है। अब तुम्हें समझा, तुम बैठे तुमने कहा कि ठीक है ऐसा हो रहा है एक काम करते ऐसा ऐसा करके देखिए। एक समय के बाद शादी का सबसे बड़ा समस्या ये है कि दो लोग अपने रिलेशनशिप पर काम करना छोड़ देते, वो दोनों एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड ले लेते। आदमी बोलता है जाएगी कहा, और औरत बोलती है जाएगा कहा साला, इधर ही आएगा, दिन भर कहीं भी घूम ले, रात को इधर ही आएगा खाना। यही डायलॉग तुमने अपने घर में भी सुने हो कि जाऊन जाइन जाशी कुट हो संध्या का इतना चुन मरना है तुम्हारे जाता कुट जा माहिती आहे मले त्या मित्रासोबत जाल दारू ढोसाला न्याल संध्याकाळी काय लिया आणायले। त्या गोष्टी प्रत्येकानं आपल्या घराघरात ऐकल्या, हे सुना होगा तुम अपने घर घर में। और वैसे ही वो पति भी बोलेगा निकल क्या लगा के रख फलाना ढे, उसको भी पता है, वो बोल दे भी देगा मेरे को पता है जाएगी किधर खाली आएंगी इधर ही, 4 दिन जाएंगे अपने मायके पांचवें दिन तो इधर ही आना। ये क्या है, ये भाषा में क्या है, ये भाषा में है फॉर ग्रांटेड। अब तुम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, अब तुम्हें इस चीज में कुछ पड़ा नहीं है कि दो लोग अभी भी साथ में है जीवन भर के लिए साथ में है, इस जीवन को इस पूरे के पूरे प्रोसेस को इस साथ को किस तरह से किया जाना चाहिए, किस तरह से मेंटेन किया जाना चाहिए। आजकल की नई पीढ़ी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन गैप। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनकी शादियां हुई, कुछ समय तो बहुत अच्छा चला उसके बाद बड़ी समस्या ले, और समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या यही थी कि वो एक दूसरे से बात तो अपने मोबाइल लेके बैठ जाते भाड़ जेवता का हो जेवल्या
अब उनमें कम्युनिकेशन गैप आ गया। अब दूसरे इंसान को वो फॉर ग्रांटेड ले रहा, दूसरे इंसान आ जाएगा का साला, ऐसा हो गया। अब यहां पर जरूरत है कि वो दो लोग अपने जीवन में किस तरह से काम करने के लिए तैयार है। क्या वो दो लोग एक दूसरे के साथ रहना पसंद करेंगे, वो भी हैप्पीली, वो उनका डिसीजन है। यहां पे ग्रह तारा कुछ नहीं कर सकता। तुम कहोगे कि नहीं नहीं, और मैं ये भी कहूंगा कि ये जो चीज है ये दोनों की ओर से होनी चाहिए। अगर पति अगर ये करने की कोशिश करेगा, अगर समझो किसी ने यहां पे सुन लिया और अपने घर पे जाके अपने पति को नहीं नहीं चेंज करेंगे, रिलेशनशिप को स्ट्रांग करेंगे, औरत क्या बोलेगी पता है घर पे जाने पर? कहा है शुरू, कहा है बाहर, कहीं आएगा फिर पाइजिएगा सांगा जाएगा? और अगर तुम ज्यादा ही मीठे मीठे रहोगे ना पत्नी के साथ, तो तुम्हें जरूर बोल देंगे बाहर के शुरू आएगा, ले खुश रहता आजकल, लग बाहर के तेरी मजा शुरू है अट्टे। और अगर वही पत्नी ऐसा करते तो आदमी अलग शक लेगा, बोलेगा शुरू क्या है इसका, ये बहुत खुश रह रही सारी आज, इसके पहले तो ये मुंह जब भी मुंह खोले रोती थी, ये दुख रहा, ये हो रहा हो, अब हुआ क्या कि इतने आनंद से जी ले, वो भी नहीं समझ। तो ये जो एफर्ट्स है ये दोनों की ओर से चाहिए कि वो दोनों ही अब ये चीज पर आए कि हम प्रॉब्लम में है हमारे रिलेशनशिप के तौर पर, हमें इसे सुधारना चाहिए। और इसका जो गणित है वो इंडिविजुअल है, हर किसी का अपना तौर तरीका है, ये इंसान के तहत बदलेगा। कोई किस स्वभाव का है, कोई किस स्वभाव, वो अपना अपना रास्ता निकाले। तुम किसी इंसान के पास किस इंसान के साथ 5-10 साल रह चुके हो, तुम्हें पता है वो किस तरह का, दोनों ओर से एक दूसरे को जानते हो, तुम जानते हो किस तरह की सोच रखता है, किस तरह की बात करेगा, किस तरह से सोचेगा, अंदाजा है तुम्हें, और तुम रास्ता निकाल सकते हो अगर तुम चाहो। तो यहाँ पे ग्रह तारों का दोष नहीं है, ये तुम्हारी कम्युनिकेशन गैप है, ये तुम्हारा रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग ना करने की सोच है, ये तुम फॉर ग्रांटेड ले रहे हो एक दूसरे को। तुमने कहा कि बस आ गई अब क्या चिंता, तुमने यही देखा कि अब बात भी क्या करनी, सब बातें हो चुकी। इस तरह की जो चीजें तुम्हारे दिमाग में आ जाती है एक समय के बाद, उसके कारण चीजें बदल जाती। और औरतें एक चीज पति को डेफिनेटली, हर औरत एक चीज कहती तो बदल ले, बदल ले तुम्हें, पहले वेगड़ा होता आता, अब भाई सगत बदलती। जीवन में बदलाहट होगी, लेकिन समस्या क्या है ना, जब हम बदल रहे हैं ना, तब सामने वाले का हाथ साथ में नहीं रखा, हम उसको छोड़े ले और खुद ही बढ़े जा रहे। तुम ये भी चेष्टा में नहीं लगते कि उस इंसान को समझाओ, बात करो कि इस तरह की गतिविधियां है जीवन में, हमको इसी तरह से आगे बढ़ना। हम ये सोचते कि वो तो समझ ही जाएगा, ऐसा कैसे समझेगा भाई, जब तुम उसके दिल की बात नहीं सुन रहे, ना तुमको वो समझ आ रही, तो वो कैसे समझ लेगा। देखो ये सेंस की बात है, इसमें ग्रह तारों को मत डाल, ये सेंस की बात है। ये तो ऐसा ही है कि तुम्हें साथ रहना है आनंद के साथ या नहीं, बात इतनी सी। और ये शुरुआत तब होती है जब तुम खुद तय कर लो कि तुम्हें अपने भीतर आनंद से रहना है या नहीं। क्योंकि बाहर के जीवन में जो भी हो, तुम कहोगे इसके कारण है, तुम क्या कह सकते हो, बॉस के कारण, औरत के कारण, बच्चे दलिंदर हैं, परिवार खराब, समाज के लोग खराब है, मेरे आसपास के दोस्त खराब हैं, समाज ने मेरे को पीछे छोड़ दिया, ये हो गया। और उसके बाद ये सब का ढोरा तुम फोड़ोगे, नसीब भगवान ही ऐसा, ये भगवान मैंने तय किया बिगड़ा, ये करते हैं ना हम। तुम पाओगे इन्हीं सारी चीजों को तुम पूरे जीवन में दोष देते, लेकिन तुम कभी नहीं सोचते कि क्या मेरे भीतर से कुछ गड़बड़ी है। और मैं कहूंगा कि तुम्हारे भीतर से जो कंटिन्यूस कर्मा प्रकट हो रहे हैं ना, इसी के कारण सब कुछ गड़बड़ी है। तुम बाहर के कर्मों के प्रति तो थोड़ा सा सचेत हो, लेकिन अपने भीतर के कर्मों के प्रति नहीं। विज्ञान अब ये जान चुका कि अगर एक पेड़ इतना सेंसिबल है कि बाजू वाले उसके साथ के पेड़ को अगर कोई मारे तो भी वो समझ जाता उस इंसान को साइड में खड़ा देखकर। तो इंसान भी वैसा ही है। तुम भी अगर किसी उस इंसान को देख लो जो तुम्हें पसंद नहीं, तुम्हारी पूरी बायोलॉजी बदल जाए, बदलती है, ईमानदारी से बता। और इस इंसान को देख लो जिससे तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारी वापस से बायोलॉजी बदल जाए, बदलेगी ना। वाह। तो चाहे तुम करके कुछ कर्म करो या नहीं, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी भीतर से ऐसी हो जाए कि कर्म हो गया। वो इंसान जो तुम्हें पसंद नहीं है, चाहे तुम उसे मारो या ना मारो या गाली दो या ना दो, ये कर्म तुमसे हुआ है ना, भीतर तो तुमने बहुत गला काट दिया उसका।
सुपरमैन के जैसे मारा तुमने उसको उड़ उड़ के। यार ढुसके आओ, साउथ के हीरो बन गए तुम अपने सपनों में। ऐसे मारूंगा इसको, मिल तो जाए साला। ये भी कर्म ही बने। तो बाहर के कर्मों के प्रति जैसे तुम सचेत हो, थोड़ा भीतर के कर्मों के प्रति सचेत हो जाना। थोड़ा भीतर से शांति तुम पाओगे, तुम पाओगे कि बाहर चीजें बदल गई। और ऐसा मत समझना, बहुत से लोगों का ये सवाल भी है कि आध्यात्मिक प्रगति में इसका क्या भाई, इससे इतना बच जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई किसी के किताब में कहीं पे लिखा है कि कोई अनलाइटेड हो सकता तो ही अनलाइटेड हो गया ऐसा। कोई कहीं पे लिखा है कि नहीं इसकी आध्यात्मिक प्रगति होगी तो ही हो गया ऐसा। हाँ, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि जो तुम्हें उस दिशा में आगे बढ़ाते हैं। जैसे शनि ग्रह के बारे में कहा जाता है कि वो गूढ़ता में तुम्हारी रुचि बढ़ाता है, कुछ अननोन है इसमें रुचि बढ़ाता है, तो वो थोड़ी सी मदद करता है। लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा फ्री विल है कि ये चीजें काम करेगी भी या नहीं, होगा भी, तुम्हारी अपनी मेहनत है। ये वैसे ही है कि अगर तुम्हारा पूरा का पूरा दशा है कि तुम यूपीएससी क्रैक कर लो और तुम अपने बैठे हो तारक मेहता देखते, तो बेटा परमात्मा भी तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। बबलू तुम निश्चिंत हो जाओ, और वो भी योग भी है, तुम मेहनत भी ले रहे हो कुछ। और कभी कभी ऐसा भी हमने देखा है कि किसी की मेहनत इतनी तगड़ी है कि उसने अपने नसीब को भी काटा, ऐसा भी हो सकता है। क्या नसीब को काटा जा सकता है? बिल्कुल काटा जा। और इसके इतिहास में अनुभव है। अगर योगानंद परमहंस की किताब किसने पढ़ी है, योगानंद परमहंस को मानने वाला कोई है, तो ये योगानंद परमहंस ने खुद कहा है कि उनके जीवन में दो शादियां थी जो उनके गुरु ने काटी, उनके गुरु ने काटी, उनकी मौत थी वो भी उनके गुरु ने काटी। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में हुआ कि रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु थोड़ी जल्दी थी, लेकिन उन्होंने अपने मृत्यु को दूर ढकला, ये उन्होंने किया अपने साथ। लेकिन ये हर किसी के लिए गुरु नहीं। कभी कोई अगर गुरु को लगता है कि हाँ इसके महत् कार्य के बीच में इसकी कुछ चीजें आ रही है, तो गुरु बिल्कुल उन चीजों को काट सकता। और क्या लगता, एक सेकंड, क्योंकि वो ऊर्जाओं से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। जैसे हमने शिव सूत्र में देखा कि अब वो है ही नहीं, तो उस एक तत्व के साथ वो एक हो चुका जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है, तो उसके चाहने से ही हो जाए। वो जो लोग कहते कि नहीं नहीं नसीब को काटा ही नहीं जा सकता, तो इन दो चीजों का मुझे जवाब दे देना। ये तो बड़े रिस्पेक्टेबल लोग है, कोई ऐसे छोटे मोटे अरे गहरे के बारे में बता, बहुत नामचीन लोग है दोनों के दोनों। योगानंद परमहंस इन्हें अपने ही खुद कहा है ये चीज। जो रामकृष्ण परमहंस मठ को मानने वाले वो भी जानते कि रामकृष्ण ने खुद बताई हुई चीज, ऐसा भी नहीं किसी ने बाद में बता दी, कोई प्रिडिक्ट कर दिया, तो बिल्कुल हो सकता नसीब को भी काटा जा सकता, सब कुछ नसीब में। तो ज्योतिष शास्त्र का जो भी है वो आज खत्म हो चुका प्रवचन, ऐसा ही हम कहें। अगर बाद में कभी लगा तो हम और बात करें। याद रखना कि सारे प्रवचन हम उसी जगह पर छोड़ते हैं जहां पे मिस्ट्री बढ़े। ऐसा ना हो जाए कि तुम सुन लो और कह दो कि अनन्या अब ये सुन लिया तो कुछ जान लिया। हम मिस्ट्री पर ही छोड़ेंगे तुम्हारे लिए, कि चाहे तुम्हें लगे कि ज्योतिष शास्त्र के बगैर कुछ ना हो पाएगा और पूजा वूजा कर, लेकिन फिर भी ज्योतिष शास्त्र के पार भी कुछ चीजें हैं। और हाँ, उसे तोड़ा जा सकता है, हाँ उसे मरोड़ा जा सकता है, हाँ उसे टाला जा सकता है, किसी की मृत्यु तक टाली जा सकती है, बड़ी बात। इस पे हम थोड़ा मिस्टीरियसली बाद में कभी बात करेंगे।